जब बारिश होती है और हमें कहीं पे जाना हो तो हम छाते या रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से भी सबसे पुरानी चीज है छाता, दुनिया की सबसे सुविधाजनक खोज में से एक, जिसे हम अम्ब्रेला बोलते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द अम्बेरा से हुई है, जिसका अर्थ है छाया। छाते की खोज आज से 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। शुरुआत के समय में इजिप्ट, ग्रीस, चीन जैसे लोग छाते का उपयोग धूप से बचने के लिए करते थे। चीनियों ने छाते की खोज बारिश से बचने के लिए की, जिनमें वो कागज के छातों को मोम से कवर करते थे। बारिश से बचने के लिए छाते का सर्वप्रथम उपयोग प्राचीन रोम में किया जाता था 17वीं सदी में। लकड़ी और हड्डियों से भी छाते बनाए जाते थे। ये क्या बात करता है यार? जापान में बांस और एक विशेष प्रकार के कागज से छाते बनाए जाते हैं, जिसे बगासा कहते हैं। मेड इन जापान। तो जापान के चोर बाजार में जाके बेचा। छाते बेचने के लिए दुनिया में सबसे पहली शॉप लंदन में खुली थी, जिसका नाम था जेम्स स्मिथ एंड सन्स। ब्रिटिश उद्योगपति सैमुअल फॉक्स, जिन्होंने 1852 में सर्वप्रथम यू शेप का स्टील के सलियों वाला छाता बनाया, जिसका उपयोग आज भी हम करते हैं। फोल्डिंग छाते पहले नहीं बनते थे। फोल्डिंग छाते की खोज 1928 में हैंस हॉप्ट ने की थी। गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल दुनिया का सबसे बड़ा छाता 2018 में अबू धाबी में खलीफा एम्पावरमेंट प्रोग्राम में लगाया गया था।